सर आप पढ़ाइए एकदम। बेटा पढ़ेगा नहीं बनेगा। अच्छा आप पढ़ाओ, आप देखो नहीं बनेगा तो बताना, एकदम बनेगा। अरे आप विश्वास रखो, नौकरी लगेगा। हाँ एकदम सही बोल, हाँ एकदम सही बोल रही है। अच्छा ये लोग देखो अच्छा करेगा ना, वो लोग देख करके आएगा। आप लोग शुरुआत किए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग जो है किसी की बात नहीं सुनना है, बच्चा को पढ़ाना है। हाँ फोन करिए, हाँ चौकीदार है कहाँ हैदराबाद जी, कोई दिक्कत हो इन लोगों को तो बताना, ठीक है। ये बच्चा सब जो है हमेशा जो है, हाँ एकदम एकदम आप बताइए, बिल्कुल बिल्कुल जो है मैंने कानून सम्मत काम करिए आप लोग, मेरा कहना है। और आप लोग अपना इज्जत सम्मान से अपना रहिए, अपना काम करिए जो करना है। बाकी जो है मुखिया जी पहले भी हम लोग बोले थे उनसे मिल करके जो लोन लेना है नहीं है, यही तो मुसर का ही नीचे रहेगा जी। हाँ तो हाँ ये देखिए ये आवाज, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाइएगा, जो कष्ट है झेलिए, लेकिन बच्चा को पढ़ाना है। और जो भी आपको दिक्कत होगा ना, कॉपी किताब फीस सब का अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। नंबर नंबर दे दीजिएगा, ये लोग को जिसको चाहिए नंबर मेरा दे दीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छे से रहिए आप लोग। और जो है कुछ जैसे बच्चा सब है अभी नया शुरू किया है तो कुछ कॉपी उपी है हम लोग दे देते हैं, तो हम लोग फिर आएंगे। और बच्चा सब बहुत मेहनत कर रहा है, हर बच्चा में क्षमता होता है, अगर उसको समझाया जाए तो। कोई जरूरी नहीं है कि हम साड़ी जिसके लिए जाना जाता था, आज से आने वाले समय में 20 साल 22 साल के बाद लोग जानेंगे कि हाँ यहाँ भी सिपाही है, दरोगा है, अफसर है, और भी अलग अलग पद पे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग पढ़ाइए, मैंने सरकार इतना आप लोगों के लिए कर रही है, आप लोगों के लिए स्कूल खोली है, आप लोग पढ़ाइए। आपका जो जीवन था वो तो बीत गया, लेकिन ये बच्चा सबका भविष्य है। थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, यहाँ पे तो मिड डे मील खाना वाना मिलता होगा, कॉपी भी मिलता होगा, कॉपी किताब की दिक्कत होगी बोलिएगा, हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आप बच्चा सब तो हमेशा स्कूल भेजिए, स्कूल में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा समझेगा, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो कोई पेपर है आपको समझ में नहीं आएगा, कोई साइन करवा लेगा आपसे, ये लोग पढ़ के बताएगा आपको कि हाँ सच्चाई क्या है, तो पेपर में क्या लिखा है, तो आप लोग भी समझिएगा, जानिएगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, इनका जीवन तो अच्छा होगा ही और पूरा समाज इससे प्रभावित होगा, समाज को इससे लाभ मिलेगा। हम लोग फिर आएंगे, अगर आपको दिक्कत हो मेरा नंबर रखिए, आप लोग बताइएगा हमको नंबर, तुम नंबर लिखो जी, नंबर लिखो नहीं मोबाइल इसके पास है, लिखो नंबर मेरा, अगर दिक्कत है बताएगा हमको। हम चाहते हैं कि आप लोग किसी तरह का गलत काम मत करिए ताकि पुलिस यहाँ नहीं आए, आप लोग अपना सम्मान इज्जत से जीवन जिए, बच्चा सबको पढ़ाइए, बच्चा लोग अच्छा करेगा, एक बात समझिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे बेटा अफसर बनता है, नहीं, ये सब भी बन सकता है अफसर। आप पढ़ाइए एकदम, क्या हुआ कहा नहीं बनेगा। अच्छा आप पढ़ाओ, आप देखो नहीं बनेगा तो बताना, एकदम बनेगा। अरे आप विश्वास रखो, नौकरी लगेगा। हाँ एकदम सही बोल, हाँ एकदम सही बोल रही है। अच्छा ये लोग देखो अच्छा करेगा ना, वो लोग देख करके आएगा। आप लोग शुरुआत किए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग जो है किसी की बात नहीं सुनना है, बच्चा को पढ़ाना है। हाँ फोन करिए, हाँ चौकीदार है कहाँ हैदराबाद जी, कोई दिक्कत हो इन लोगों को तो बताना, ठीक है। ये बच्चा सब जो है हमेशा जो है, हाँ एकदम एकदम आप बताइए, बिल्कुल बिल्कुल जो है मैंने कानून सम्मत काम करिए आप लोग, मेरा कहना है। और आप लोग अपना इज्जत सम्मान से अपना रहिए, अपना काम करिए जो करना है। बाकी जो है मुखिया जी पहले भी हम लोग बोले थे उनसे मिल करके जो लोन वोन लेना है नहीं है, यही तो मुसर का ही नीचे रहेगा जी। हाँ तो हाँ ये देखिए ये आवाज होना चाहिए, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाइएगा, जो कष्ट है झेलिए, लेकिन बच्चा को पढ़ाना है। और जो भी आपको दिक्कत होगा ना, कॉपी किताब फीस सब का अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। नंबर
नंबर दे दीजिएगा ये लोग को, जिसको चाहिए नंबर मेरा दे दीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे से रहिए आप लोग। और जो है कुछ जैसे बच्चा सब है अभी नया शुरू किया है तो कुछ कॉपी उपी है हम लोग दे देते हैं आप लोगों को।